लेकर के कार्यक्रम किया जाएगा और यहाँ पे तमाम गठबंधन के जो लोग हैं, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीएम हो और राजद और कांग्रेस, तमाम जो गठबंधन के लोग हैं सारे लोग बैठे हैं, सारे लोग स्पीच दे रहे हैं। और आप दूसरी ओर देख सकते हैं कि इस तरीके से जितने दर्शक हैं वो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ही देर में तेजस्वी यहाँ पे लैंड करेंगे। आपको बता दें कि जहाँ पे तेजस्वी आ रहे हैं वहाँ पे गैदरिंग बहुत ज्यादा है और अभी हमारे साथ यहाँ के वर्तमान विधायक हैं। हम इनसे जानते हैं किस तरह की तैयारी, क्या तैयारी है चुनाव को लेकर के। देखिए तैयारियां मुकम्मल है, हम और हमारी जनता मन बना चुकी है कि महागठबंधन की सरकार को स्थापित करना है, बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है और इस सुशासन, जो सुशासन के नाम पर 15 वर्षों तक सत्ता हासिल करके कुशासन का रूप दे दिया, इसलिए जनता के अंदर अंडर करेंट है, लहर है और जनता हम लोगों का पास जन समर्थन दे रही है। हम लोग देख रहे हैं कि नीतीश जी कार्यक्रम बहुत कम गैदरिंग हो रहा है, जहां तेजस्वी जा रहे हैं बहुत अपार जनमत जुट रही है, गैदरिंग हो रहा है। ये संकेत ये टूट हो गया इन लोगों में, ये लोग टूट गए, बिखर गए और हमारा महागठबंधन मजबूती के साथ स्थापित है, स्थापित रहेगा और हमारी सरकार तेजस्वी की तेज रफ्तार वाली सरकार बिहार में बनेगी। सर क्या मुद्दे होंगे, आएंगे तो क्या करेंगे इस बार? हम बेरोजगारी, तेजस्वी जी ने तो पहले घोषणा कर दिया है कि 10 लाख बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरियां जहाँ है वहाँ लोग बेरोजगार जो नौजवान हैं वो हमारे साथ खड़े हो गए हैं, समान काम समान वेतन हम दे रहे हैं, शिक्षक हमारे तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। तीसरा मोर्चा बना जिसमें रालोसपा, ओवैसी और बहुजन लोग हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये वोट कटवा लोग हैं, वोट काट रहे हैं, वोट कटवा है। ये तीसरा मोर्चा का गठन ही नहीं चाहिए था बिहार में, जब नीतीश के कुशासन को आप हटाना चाहते हैं, एनडीए का सफाया चाहते हैं, तो फिर ये तीसरा मोर्चा कहाँ से स्थापित हो गया? वो लोग कहीं नहीं, ये वोट कटवा है, ये वोट काट रहे, बस सीधा वोट काट रहे हैं। तो सर बीजेपी के जो लोग है वो एक मत होकर परशुराम सिंह को वोट कर रहे हैं? हम चारों सीट यहाँ निकाल रहे हैं, चाहे वो राजपुर हो, चाहे वो डुमराव हो, चाहे वो बक्सर हो, चाहे वो बुरहपुर हो, हम चारों महागठबंधन के साथ निकाल रहे हैं। सर अंतिम सवाल, आपने 5 साल में क्या काम किया बक्सर के लिए? हम तो 5 साल सेवा करते रहे जनता के बीच में जाकर के, जनता की आवाज को अपनी आवाज बनाकर सड़क से सड़क तक उठाते रहे, चाहे वो किसानों की समस्या हो, बेरोजगारों की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, बक्सर में पर्यटन की समस्या हो, हमने सारे इशू को उठाए हैं, इसलिए जनता हमारे साथ एक लंबी फहरिस्त लेकर खड़ी है। पक्का बनेगी 100%। तो ये है मुन्ना तिवारी उर्फ संजय तिवारी, जो बक्सर के वर्तमान विधायक है और इस बार भी मैदान में है, क्योंकि तेजस्वी का आज कम से कम 4 जगह कार्यक्रम होने वाला है। जिला अध्यक्ष भी है यहाँ पे तथागत हर्षवर्धन, इनसे भी सर तेजस्वी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए बिहार में बदलाव का हवा बह चुकी है और तेजस्वी जी यहाँ आकर करके ये आह्वान करने वाले हैं कि सभी बक्सरजन इस नीतीश कुमार और भाजपा की जो ये निकम्मी सरकार है इसको बदलने में अपना आशीर्वाद दें, सहयोग दें। बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और मैं भी आप लोग के माध्यम से ये बक्सरजन से अपील करूंगा कि महागठबंधन के चारों प्रत्याशी जो हमारे हैं उनको भारी से भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। सरकार बनती है तो क्या नया कुछ होगा बिहार? देखिए आप आज की डेट में कोई सेक्टर ले लीजिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सड़क हो, आमजन की सुरक्षा हो, सभी सेक्टर जो है वो त्रस्त है और हमारी प्राथमिकता इन सेक्टरों पे है। आते ही आपने सुना कि बेरोजगारी को दूर हटाने के लिए तेजस्वी जी ने कहा कि पहले कैबिनेट मीटिंग पे 10 लाख रोजगार यहाँ पे दिया जाएगा, इसीलिए मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ आप लोग के माध्यम से कि बक्सर की जन उठे और इस बदलाव में अपना आशीर्वाद दे। तो ये है जिला अध्यक्ष तथागत हर्षवर्धन, कांग्रेस एकजुट और किस तरह से कार्यकर्ता में जोश जुनून देख सकते हैं। तिवारी जी को प्रत्याशी बनाया गया है, विधायक है कांग्रेस पार्टी से, बक्सर की जनता को मेरा प्रणाम और सलाम है। बता दो अभी तू लोग खड़ियाला हमारा से, अभी तू लोग रिजल्ट बता रहा, बतावा जीते एक वोट पड़ेगा के निशान पर
किसानों को, गरीबों को ठगने का काम किया, एक रोजगार नहीं दिया, पलायन नहीं रोका, कारखाना नहीं लगाया, बर्बाद कर दिया है भैया, नहीं बल्कि हटाने का ही साजिश रचा जा रहा है। इसलिए एकजुट होकर के देखो, हम नया सोच के नया बिहार बनाने जा रहे हैं। हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। उन्होंने संकल्प लिया है महागठबंधन की सरकार बनेगी और पहला मंत्रिमंडल का जो बैठक होगा, अगर मेरा पहला कदम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को, 10 लाख नौजवानों को एक साथ रोजगार, सरकारी नौकरी। बताओ यहाँ कितने बेरोजगार हो, हाथ उठा के Thank you.